प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इन दिनों 90 विधानसभा दौरे पर लगातार है। वहीं 10 और 11 तारीख को सरगुजा दौरे पर रहेंगे, जिसको देखते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा के राजीव भवन में कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के मुखिया का स्वागत किस तरीके से किया जाएगा, इसकी जवाबदारी भी सौंपी जाएगी। साथ ही सरगुजा दौरे पर रहने के दौरान राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और जिले के किसी भी स्थान पर जन चौपाल लगाकर आम जनता की समस्या को भी सुनाई जाएगी। प्रवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और कार्यकर्ताओं से, यहाँ के ग्रामीणों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। उसमें हर विधानसभा में लगभग 3 जगह, हर ब्लॉक में एक जगह उतरने का उनका कार्यक्रम है। और सरकार जो योजना बना रही है उसका जमीनी स्तर पे हकीकत जानने के लिए वो आ रहे हैं, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो, चाहे हम किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना या गोधन न्याय योजना, जो भी योजना हम लागू कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पे कैसा है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ पर यूनिवर्सल PDS सिस्टम लागू है, लोगों को कितना उसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो पेंशन प्रकरण हो, चाहे वो जमीन का नामांतरण हो, बंटवारा हो, सभी मुद्दे पर, सभी बिंदु पर समीक्षा भी लोगों से रूबरू होकर वो कर रहे हैं। सरगुजा प्रवास कल से होना है तो हम सभी लोग